कॉर्पोरेट्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सरचू। और अभी यहाँ से निकलते हैं थोड़ी देर में। अगर आपने पिछले व्लॉग नहीं देखे तो पिछला व्लॉग देख सकते हो, मैं यहाँ तक कैसे आया। ये ट्रक खड़ा है मेरे पीछे, इसमें बाइक है मेरी। रोड बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा स्लिप कर रही थी बाइक, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की तो इन्होंने बाइक को ट्रक में रख लिया। मैं रात को इनके पास सोया हूँ ट्रक में ही, और खाना भी दिया इन्होंने, बहुत हेल्प किया। और इसके बाद अभी बस ये उठते हैं, थोड़ी देर में चलेंगे आगे। मुझे लगता है रोड थोड़ा ठीक है, फिर उसके बाद रास्ते में वाटर क्रॉसिंग वगैरह आएंगी, और वाटर क्रॉसिंग के बाद फिर मैं अपनी बाइक ऊपर से नीचे उतारूंगा और फिर मैं आगे बाइक पे कंटिन्यू करूंगा। तो अभी हम जा रहे हैं बारह लाचला पास से, ये नीचे भी पूरा आइस जमी हुई है और ऊपर पहाड़ पे भी। पूरा पानी जमा हुआ नीचे। इतने बड़े बड़े पत्थर हैं, ये पुल चलता था पिछले साल बंद हो गया पत्थर। बिल्कुल भी रास्ता नहीं है यहाँ से, बहुत ज़्यादा पत्थर ही पत्थर पड़े हैं। We'll be right back.
नीचे चले गए। ये मेरे ख्याल स्लिप कर गया। सबसे ज्यादा बर्फ यहां मिली अब तक। देखो बारह लाचला पास के बाहर का नज़ारा, पूरी बर्फ हर जगह वाइट वाइट। तो ये नीचे की तरफ है सूरजताल लेक और बिल्कुल ये जमी पड़ी है, थोड़ा सा भी इसमें पानी नहीं दिखाई दे रहा, फुल आइस।
आया अभी हूँ मनाली में, और अभी बस यहाँ से थोड़ी देर में निकलते हैं। बाइक अभी उतारनी है और बाइक अभी तक गाड़ी में ही है, तो बाइक उतार के अपना सामान लोड करके फिर देखता हूँ कहाँ तक पहुँच पाऊँगा आज। चलो मिलते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं निकल रहा हूँ घर के लिए, और मेरे साथ हैं अना, एक मिनट, ये हैं सोनू जी, और ये अनिल भाई, अनिल भाई हैं, और ये संदीप। उन्होंने बहुत हेल्प की जब मैं फंसा हुआ था बर्फ़ में, और मेरी बाइक और मैं हम दोनों इस गाड़ी में आए हैं। यहाँ पर पीछे गाड़ी खड़ी है, और अब बस मैं निकलता हूँ मनाली से घर की तरफ। ठीक है भाई, धन्यवाद। तो फ्रेंड्स मैं सुबह सरचू से चला था, सरचू के बाद दारचा पहुंचा मैं, दारचा के बाद कलोंग के बाद सीधा मनाली वाया अटल टनल। अटल टनल से निकल कर मैं सीधा मनाली आया, और मनाली ही आकर मैंने अपनी बाइक उतारी है गाड़ी से, और अब मैं आगे की तरफ राइड कर रहा हूँ। तो देखता हूँ अब कहाँ तक पहुँच पाऊँगा। तो फ्रेंड्स अभी अपडेट ये है कि मैं मनाली से चला हूँ, और अभी शाम के 4 बजे हैं, और गूगल मैप के हिसाब से मुझे अभी घर तक पहुँचने में 12 घंटे करीब लगेगा अगर मैं पूरी रात ड्राइव करता हूँ तो। पर मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ थोड़ी दूर जाके कुल्लू जाके रूम ले लेता हूँ, और सुबह जल्दी निकलूँगा ताकि मैं शाम तक घर पहुँच सकूँ, और पूरी रात मेरे को ड्राइव ना करनी पड़े। और सुबह मैं चला था सरचू से, सुबह मेरी बाइक एक ट्रक के अंदर थी, और मैं भी वहीं सोया था रात को, और सुबह मैं उठा और मैं उनके साथ ही मनाली तक आया, क्योंकि ये रोड बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा आइस पड़ी थी, बहुत मतलब वाटर क्रॉसिंग थी जहाँ से बाइक निकालना बहुत मुश्किल था। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी जब मैं टांग लांगला पास क्रॉस कर रहा था कि मेरी बाइक को भी इसमें अपनी गाड़ी में रख लो, तो उन्होंने मतलब मेरी हेल्प की, और उसके बाद मैं 2 दिन तक उन्हीं के साथ रहा। रात को भी उन्होंने खाना भी दिया, और उसके बाद रात को मैं सोया भी उन्हीं के साथ ट्रक में ही, और अब उन्होंने मुझे मनाली में ड्रॉप किया है, और मैं मनाली से बाइक लेके चला हूँ। शाम के 4 बजे हैं अभी, और घर तक पहुँचने में 12 घंटे लगेंगे, पर मैं सोचता हूँ कि कुल्लू में कहीं कमरा लेता हूँ, और उसके बाद मैं कल सुबह मॉर्निंग में कुल्लू से निकलूँगा, और शाम तक घर आराम से पहुँच जाऊँगा। तो चलो जैसी भी अपडेट होगी वो आपको पता लगी जाएगी। अभी यहाँ से नज़ारे देखो, ये मेरे साथ साथ नदी चल रही है, और पानी का जो बहाव है वो भी बहुत तेज है। अभी देखते हैं कहाँ तक पहुँचता हूँ, जहाँ तक आराम से बाइक चला सका अंधेरा होने से पहले, क्योंकि मेरी बाइक की आगे हेडलाइट भी टूटी हुई है, हो सकता है वो अंधेरे में सही तरह काम ना करे तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो इससे अच्छा तो है कि मैं कल मॉर्निंग में ही आगे अपनी राइड शुरू करूं। तो चलो मिलता हूं आगे। अभी डिसाइड ये किया है कि कुल्लू तक तो कम से कम मुझे जाना चाहिए, लगभग मेरा 50 किलोमीटर कवर हो जाएगा, और सुबह जब मैं चलूँगा तो आराम से घर तक भी पहुँच जाऊँगा शाम तक। यहाँ से नीचे का नज़ारा देखो, यहाँ नाशपति के पेड़ लगे हुए हैं। अभी मैं नीचे जाता हूँ और दिखाता हूँ आपको कहाँ पर है पेड़ वो।
तो ये आड़ू का पेड़ है, ये आड़ू नहीं है, सेंटर रोड तोड़ दो, खा लो। क्या चीज है, क्या चीज है? सेंटर रोड, सेंटर रोड एक वो ये ऐसा हो जाए, खुरमानी है ये ना, ये खुरमानी है, ये देखो खाती है, ये थोड़ा खट्टा था ना, ये बढ़िया यार, माल होता था उस टाइम पर ये डाउन हो जाता, ये सेब है, एप्पल है, ये है एप्पल, ये इसको खा और के ये है नाशपति, नाशपति है। कितने फ्रूट हो गए मेरे पास अलग अलग वैरायटी के, ये देखो कितना पेड़ भरा पड़ा है, यह है नदी, कितना नजारा यहाँ, यहाँ जाओ इस पत्थर के ऊपर जाओ, आराम से जाना, मजे से जाना, मजे से स्लिप नहीं होना, बस आगे आगे मत जाओ। ये आड़ू है ना? नहीं ये पलम है, ये है मैरी पूजा, मैरी पूजा करके बोलते हैं अंग्रेजी में, पता नहीं क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं। मैरी पूजा, अभी इसको खाते हैं, बहुत फ्रेश है ये देखो। तो फ्रेंड्स मैं होटल पहुंच चुका हूं, अभी मैं दिखाता हूं रूम आपको। तो ये है रूम अंदर से, ये मेरा सामान पड़ा है, राइडिंग जैकेट पड़ी है उधर, और इसके बाद ये मेरा दूसरा सामान और पड़ा है, ये बैग पड़े हैं मेरे, और ये रहा वॉशरूम, ये वॉशरूम है, और मुझे रूम पड़ा है 500 रुपीज़ में। और सुबह मैं देखता हूँ शायद मणिकरण जाऊँ, और अगर मणिकरण जाता हूँ तो फिर आपको वीडियो में दिख ही जाएगा। अभी मैं यहाँ बाहर बैठा हूँ, रिलैक्स कर रहा हूँ यहाँ पर, और सामने का व्यू दिखाता हूँ आपको एक बार, सामने का व्यू, नीचे से नदी की आवाज़ आ रही है बहुत। तो आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।